स्वागत है आपका भारत के गुर्जर चैनल में। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानते हुए फिर हम बात की शुरुआत। मैं संजीव कुमार, पिता का नाम श्री सुरेश पाल, गांव जडवड जी, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर से जी, उत्तर प्रदेश। तो सर ये आज आपको सम्मानित किया गया है, किस उपलक्ष्य में किया गया? ये सर हमने 23 सितंबर 2020 को उड़ी सेक्टर में दुश्मन की इन्फिल्ट्रेशन की, जो आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश थी उसको नाकाम किया जी। उसमें मैंने और हमारी टीम ने, इसमें मेरे साथी भी थे और हमारे और भी बंदे थे, हमने 3 मिलिटेंट को वहीं खाली मौके पर मार गिराया। उसी की उसमें भारत सरकार ने हमें सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया है। तो मुझे और मेरे साथी को और भी हमारे बंदे थे उनको हमें सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया है भारत सरकार के द्वारा। तो उसी के इसमें गुज्जर समाज ने आज हमारा सम्मान किया। तो बड़ी अच्छी बात है कि हमें भी सौभाग्य हुआ कि हम आपसे बात हो रहे हैं और हमारे चैनल के माध्यम से लोग भी आपके रूबरू हो पाएंगे। तो लगातार किस तरह से आज आप गुर्जर समाज की अगर हम बात करें तो किस तरह से गुर्जर समाज की जो दिशा है, युवा है, किस दिशा में सब चल रहे हैं? नहीं, अभी तो गुर्जर समाज मैं समझता हूँ कि सही दिशा पकड़ रहा है। अब से पहले क्या है, जो जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि देखो मैं एक सैनिक हूँ और इतना ज़्यादा वो नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरे पर्सनल वो है कि अब से कुछ पहले जो लोग अपने समाज को समझ नहीं रहे थे कि हमारा इतिहास क्या है, हम हमारे पूर्वजों ने क्या क्या गाथाएं करी और हमारे अंदर क्या खून है, क्या रुतवा, क्या रुबाब है, उसको समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन अभी कुछ संस्थाएँ हैं जैसे ये भारतीय गुज्जर संस्कृति संस्थान और भी बहुत हैं और कुछ लोग हैं जो समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो अभी लोग अपने आप को समझ रहे हैं गुज्जर और अपनी पुरानी जो हमारी हैसियत थी उसको हासिल भी कर रहे हैं और हासिल करने की कोशिश भी कर रहे हैं काफ़ी अच्छे से। अपने जो हमारे पूर्वज थे जिनको हमारे समाज के थे लेकिन उनको तोड़ा गया, हम वापस उनको अपने पाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने समाज को समझ रहे हैं। चलिए धन्यवाद, मैं आपका भी स्वागत करना चाहूँगा। सर आपका परिचय मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा। सर मेरा नाम शक्ति सिंह सिराधना जी, गाँव नौरमपुरा, जिला झुंझुनू, राजस्थान से। जी जी जी। तो किस तरह से आप देख रहे हैं, फौजी हैं, वीरता के लिए आपको सम्मानित भारत सरकार ने भी किया, कहीं ना कहीं आज गुर्जर समाज भी आपको बुला के ये एक मोटिवेट कर रहा है और कहीं ना कहीं जो युवा देख रहे हैं आपको, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनका भी जो अंदर जोश है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो किस तरह के, इस तरह के जो ये प्रोग्राम है, 2022 में हमने देखा कि गुर्जर महोत्सव हुआ, आज ये गुर्जरी कार्निवल हो रहा है, तो क्या ये एक मैसेज समाज की तरफ और देश की तरफ जा रहा है? इसी ये है कि सर जो ऐसे इस प्रकार के प्रोग्राम होते रहेंगे इससे जो युवा हैं, युवा लोग भी प्रेरित होंगे। पहले से क्या था कि लोग इतने जानकार नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, गांव में रहते थे, इतना नॉलेज नहीं था। जैसे जैसे संस्कृति को जागृत करेंगे ना, उसी हिसाब से युवा लोग भी आगे बढ़ेंगे और जागृत। तो जिस तरह से आपको सेना सम्मान मिला, वीरता का सम्मान मिला और आपने जिक्र किया आपके साथी ने कि उरी में जो हमला हुआ था उसमें आपने बड़ी वीरता का साहस दिया, तो किस तरह का आप जो युवा आपको देख रहे हैं क्या था, कुछ थोड़ा सा अगर आप बता सकें हमारे लिए? वो ये है कि 23 सितंबर 2021 के दौरान एक इन्फिल्ट्रेशन हुआ था वहाँ हमारे नज़दीक, कोई बटालियन दी ब्रिगेड उसमें, उसके बाद उसका सर्च ऑपरेशन चल रहा था। उस दौरान कुछ मिलिटेंट वापस हो गए थे जो कि हमारी बटालियन के इलाके से वो इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान हमारी फौज ऑलरेडी एक्टिव थी, उस दौरान वो उन्होंने हमें दिखाई दिए और LC पार करने के दौरान उसी टाइम हमें अम्बूस लगा के घाती आत्मघाती उनका होता है, बम्बूस लगा कर हमने उनको 3 मिलिटेंटों को मार गिराया। तो किस तरह का जोश अगर आज आप देखते हैं, किस तरह का जोश युवाओं में है फौज को लेके, वैसे लेके लगातार क्या बढ़ रहा है, क्या कम होता जा रहा है? नहीं, जोश बढ़ रहा है, खूब बढ़ रहा है जोश इस प्रकार की घटनाएं देख के, और लोगों को जैसे प्रेरित किया, हमने सम्मानित किया, इसी से युवा लोग भी काफ़ी प्रेरित होंगे और आगे और बहुत अच्छा काम है। तो ये थी रियल हीरो से मुलाकात भारत के गुर्जर चैनल के द्वारा। रील पे हीरो आपने बहुत देखे होंगे लेकिन असली हीरो ये है जो हम लगातार आपको भारत के गुर्जर चैनल पे दिखा रहे हैं, और लगातार हमारा प्रयास भी है कि इन युवाओं को आप देखें और समझें कि अपने देश के लिए जीना मरना सब भूल जाते हैं, ये सेना पे तैनात रहते हैं जब हम घर में आराम से सोते हैं। तो लगातार ऐसा ही प्रयास हम भारत के गुर्जर चैनल पर दिखाते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल भारत के गुर्जर को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी भारत के गुर्जर के नाम से फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।